अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। अज़ीज़ तलबा, मैं कारी सईद, टीचर इस्लामियात, 8 क्लास। अज़ीज़ तलबा, आज हमने जो है ये रिवीजन करनी है दूसरा चैप्टर, यानी दूसरे इबादात। तो इबादात में सबसे पहले इस्लाम में हज को क्या हैसियत हासिल है, तफसील से बयान करें। तो अज़ीज़ तलबा, ये देखें हज और उसकी आलमगीरियत, ये सबसे पहला सवाल है। हज के लुगवी माना है ज़ियारत का इरादा करना। तो अज़ीज़ तलबा, यहाँ तक ये पांचवा बुनियादी रुकन है। यहाँ तक जो है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पहला सवाल है, यानी पहले सवाल का तफसीली पहला जवाब है। उसके बाद आप देखें सफ़रे हज के दौरान, ये देखें सफ़रे हज के दौरान अलम इस्लाम के इतिहाद की जो रूह नमाया होती है, मिसाल देकर बयान करें। तो अज़ीज़ तलबा, ये यहाँ से शुरू होता है सफ़रे हज का इरादा करने के बाद। जो जो इंसान अपनी मंजिल की जानब बढ़ता है, यहाँ से शुरू हो रहा है। और ये जो है यहाँ तक है ये सवाल, यानी इसमें मिसाल भी है यहाँ से लेकर यहाँ तक। अज़ीज़ तलबा, इसमें मिसाल भी है और ये दूसरा तफसीली जवाब है। उसके बाद ये देखें मक्का मुकर्रमा और बैतुल्ला शरीफ पहुँचने के बाद मिल्लत इस्लामिया की वहदत के क्या मनाज़र दिखाई। तो ये देखें जी, मिल्ली वहदत, अज़ीज़ तलबा यहाँ से शुरू होता है। बोलियाँ सबकी मुख्तलिफ मगर नारा सबका एक, यहाँ से शुरू होगा और ये यहाँ तक आता है। ये देखें मनास के हज, सबका मीना में कैंप लगाना, हाँ जी, सबका अरफात की तरफ चलना, यहाँ तक जो है ये तीसरे तफसीली सवाल का तफसीली जवाब है। तो अज़ीज़ तलबा, ये तीनों सवाल जो हैं, ये जो आपको मैंने बताए हैं, इनको अपनी कापियों पर लिखें भी अच्छे तरीके से और इसको याद भी कीजिए। आज का ये लेक्चर ख़त्म हुआ। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।